तस्वीरों में दिख रहा यह हिंदू परिवार पाकिस्तान की प्रताड़ना से परेशान होकर बिना वीजा ही भारत पहुंच गया। पिछले एक महीने से पूरा परिवार बाड़मेर जिले के रोहिला गांव में अपने रिश्तेदार के यहाँ रह रहा है। परिवार के सदस्य रानी का कहना है कि उनके बेटे का पाकिस्तान के लोगों ने अपहरण कर लिया और धमकी भी दी कि बच्चों को उठाकर ले जाएंगे। हम काफी लंबे समय से परेशान चल रहे थे, इसलिए हमने पाकिस्तान छोड़ने का फैसला लिया। हम बहुत परेशानी थी, मेरे बेटे को अगवा कर ले गए थे, फिर उन्होंने धमकी दी कि बच्चियाँ उठा लेंगे, इसलिए हम वहाँ से आए। अच्छा, वहाँ पे बहुत कठिन समस्या थी। वही बाड़मेर SP दीपक भार्गव का कहना है कि फिलहाल पूरा परिवार विस्थापित नियमों के तहत भारत में रह सकता है। फैमिली है जो पाक में पाकिस्तान रह रही थी, वो थोड़ा वहाँ पे शायद प्रताड़ित हुए, वो फिर वहाँ से वो दुबई गई, दुबई से नेपाल आए, नेपाल से फिर उन्होंने दुबई में भी उन्होंने अप्लाई किया था वीज़ा के लिए, नेपाल में भी अप्लाई किया, पर जब दोनों जगह से वीज़ा नहीं मिला तो वो किसी अन्य रास्ते से भारत में प्रवेश कर गए। फिर जोधपुर में आके उन्होंने CID में रिपोर्ट करी स्वयं की। SP ने कहा कि इस मामले को लेकर गृह मंत्रालय को पत्र भेजकर आगे की कार्रवाई के लिए मार्गदर्शन मांगा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, दैनिक भास्कर। क्योंकि सच करीब से दिखता है।